लड़ाई देख रहे हैं वहां पर। राइट भाई जा रहे हैं। एक दो वो मेरा बच्चा, मेरा घर पे 7 बजे तक था साहब, 7 बजे निकला साहब खाना वाना खा लेके। इसके बाद मुझे घर पे 8:45 या 9 बजे फ़ोन आया साहब, बच्चा आपका दवाखाने में दूरेश्वर में। तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, फौरन दवाखाने को गया साहब। दवाखाने को गया तो वहाँ पता चला कि लोग 4-5 जने मिल के मारे, बच्चा गाड़ी पे से गिर गया, मारे लड़ी हुई बोल के सुना। वो कौन बच्चे है क्या है मेरे को नहीं मालूम साहब। मैं पुलिस से, पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ साहब, इसकी तहकीकात कीजिए जाए साहब, मेरा बच्चा बहुत सीरियस है साहब। आप सबसे गुजारिश है साहब, पुलिस से गुजारिश है साहब, आप न्यूज़ चैनल वालों से गुजारिश है साहब, मेरी या मेरा बच्चा सीरियस है साहब, इसके लिए कुछ कुछ कीजिए साहब, होश में आ जाए मेरे बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा सेहतमंद हो गया तो मेरे को अल्लाह। क्या नाम है बच्चे? मेरा बच्चे का नाम मोहम्मद अदनान है साहब। कहाँ के रहने वाले साहब? मैं डबिलपुरा परतनगर। क्या काम करता बच्चा? मेरा बच्चा कॉलेज स्टूडेंट है साहब, सेकेंड ईयर करा हुआ था साहब, अपा से अब 18 ईयर्स 19 ईयर्स करा साहब। लड़ने की क्या? नहीं साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, बच्चा 7 बजे खाना वाना खा ले के घर के गया, 9:45 को फ़ोन आया कि बच्चा तुम्हारा दवाखाने में। मैं दवाखाने में पहुंचने के बाद में मेरे को कुछ बच्चे से मालूम हुआ, बोलने लगे कि वहाँ 4-5 जने मिल के मारे। वो कौन बच्चे है क्या है मेरे को इतना अभी जानकारी पक्की नहीं है साहब, बस कौन बच्चे है, 4-5 बच्चे मिल के मारे बोल के मालूम है साहब। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से, पुलिस से गुजारिश करता हूँ, मीडिया से गुजारिश करता हूँ, मेरे बच्चे को जान बचा लीजिए साहब, मेरा बच्चा सीरियस है साहब, मेरा बच्चा सीरियस है साहब, सीरियस है। हम दुरेश्वर से साई हॉस्पिटल गए, साई हॉस्पिटल से उस्मानिया आए, श्री साई हॉस्पिटल गए, अभी बच्चा बहुत सीरियस है। चंचलगढ़ के 4 बच्चों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया, कौन बच्चे है क्या है अभी डबिलपुरा पुलिस कर रही है अपना काम। हम कमिश्नर पुलिस और तेलंगाना के सीएम साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, नहीं ऐसा कुछ, कोई हमला नहीं है। स्टूडेंट बच्चा था, क्या आपस में इतनी क्या खुशमत थी नहीं मालूम। इस तरह हैदराबाद में इस तरह के वाक़ात होंगे तो अपने बच्चों को कैसे सेव करें। हमारे CP साहब से हमारी पुरजोर अपील है कि इसको बहुत सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इनको हम, वो भी बच्चे हैं लेकिन ये शहर में इस तरह नहीं चलेगा। एक बच्चा 7:30 बजे जाता है और 9 बजे सीरियस हो जाता है, दवाखाने में सीरियस है, ये कब तक चलेगा शहर में? आए दिन इस तरह चल रहा है, कौन करेगा इसका हल? धन्यवाद।